हेलो एवरीवन, एज अ बिगनर आज हमारा ये 9th डे है और आज जो मैंने टारगेट्स कंप्लीट किए उसमें सबसे पहले एडिटोरियल निमिशा मैम से यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री अराउंड 1 आरी से मुझे लग गया। आफ्टर दैट जैसे कि मैंने कल टेंसेस की क्लास लगाई थी, ग्रामर ग्रंथ जो पेड बैच है निमिशा मैम का, उसमें से फर्स्ट वीडियो कल कंप्लीट हो गई थी, तो आज मैंने इसकी जो सेकंड वीडियो है वो भी कंप्लीट कर ली। इसमें मैंने प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स और कुछ कॉन्सेप्ट थे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, वो क्लियर करवाए मैम ने। प्लस 10 सेंटेंसेस थे, उनसे क्या भी थोड़ा मतलब किस हिसाब से एग्ज़ाम में क्या एरर डिटेक्शन से रिलेटेड मतलब क्या क्या कुछ करना होता है, तो उसके मैम ने क्या भी एग्जाम्पल दे दे कि मतलब 10 एग्जाम्पल दिए थे वो समझाए मैम ने। इसे क्या रूल्स मेरे को अच्छे समझ में आ गए, बट क्या हुआ कि 10 में से मेरे सिर्फ 3 ही सही गए। तो मुझे लग रहा है कि या तो मैं इसको फिर से रिपीट करके देखूं वीडियो को भी क्या है क्या नहीं है, या सोच रही हूँ अभी जो नेक्स्ट वीडियो होगी जो मैं कल देखूंगी वीडियो उसमें मैम प्रैक्टिस ही करवाएंगे, तो सोच रही हूँ उसमें फिर से मैं देखती हूँ अगर मुझे समझ में आए तो ठीक है, वरना अगेन अदरवाइज़ मुझे कभी फिर से ये जो वीडियोज़ है उनको देखना पड़ेगा। आफ्टर दैट मैथ्स, मैथ्स में 0 to infinity हर्षल अग्रवाल सर का जो बैच है उसमें सबसे पहले तो मैंने जो शीट देते हैं सर उसे सॉल्व किया, इसमें अराउंड मुझे क्या 45 मिनट्स लग गए। आफ्टर दैट इनके जो नेक्स्ट 4th वीडियो है वो मैंने कंप्लीट कर ली, उसमें मैंने डिविजिबिलिटी रिलेटेड टॉपिक किया, एंड कल जो मैं करूँगी वो होगा मेरा रिमाइंडर से रिलेटेड टॉपिक सर करवाएंगे। एंड देन रीजनिंग, रीजनिंग में मेरे जैसे कि तीनों चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, मैंने 4th चैप्टर शुरू नहीं किया। कल भी मैंने इसी की प्रैक्टिस की थी, आज भी मैंने क्या भी इसी की जो प्रैक्टिस है वो की, PDF थी मेरे पास गाइडली की, तो उस पर मैंने क्या भी इनकी एक एक PDF सॉल्व कर ली, 20 सम थे तीनों में, अराउंड 1 आर इसमें मुझे लग गया। सो आज के मेरे ये सब टारगेट्स जो मैंने कंप्लीट किए, थैंक यू।